हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेनर परवेज। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से शुरू हो गया है आपको इंजीनियर बनाने का एक नया तरीका, और इंजीनियरिंग का एक ऐसा टिप, ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप अपने हार्ड डिस्क को लॉन्ग लाइफ तक यूज कर सकते हैं और उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये मेरे हाथ में दो USB हार्ड डिस्क देख सकते हैं। दोनों हार्ड डिस्क को इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल हार्ड डिस्क USB केबल इसमें लगी हुई है, और एक हार्ड डिस्क ये है, इसमें भी USB केबल लगी है, लेकिन इसका लुक कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसके कनेक्टर पे कुछ हिसाब किताब किया हुआ है, और ये हिसाब किताब क्यों किया हुआ है मैं आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और इसमें ये बताऊंगा कि इसके करने से क्या क्या फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है, कि किस तरीके से USB हार्ड डिस्क की लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और किस तरह से USB हार्ड डिस्क को क्रैश होने से, इसके अंदर बैड सेक्टर आने से और इसको डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि USB हार्ड डिस्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह क्या है, वो क्यों आती हैं, और उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को आने से बचा जा सकता है जिससे कि हमारी हार्ड डिस्क लॉन्ग लाइफ चले, और बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी ऐसा करके नहीं दे रही है इसके पीछे हमें क्या फ़ायदा है, और हम ये कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। हार्ड डिस्क में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या क्या होती हैं। मेरे हिसाब से हार्ड डिस्क के अंदर मेनली चार प्रॉब्लम आ सकती हैं या आती हैं। जो USB हार्ड डिस्क होती है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहली वजह है कि हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर आ जाता है, जिससे कि हार्ड डिस्क की वर्किंग स्लो हो जाती है। हार्ड डिस्क को रीड करने में और राइट करने में बहुत टाइम लगता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि हार्ड डिस्क रीड राइट में डिले होता है, या हार्ड डिस्क रीड राइट करना फेल्ड करने लगती है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ड डिस्क के अंदर क्लिक की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी हार्ड डिस्क रन तो करती है लेकिन उसके अंदर क्लिक करके आवाज़ आने लगती है। ये तीसरी प्रॉब्लम हो गई। और चौथी जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है, हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड। हार्ड डिस्क को हम लगाते हैं लेकिन वो हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करती है। ये चार प्रॉब्लम मेन इसके अंदर आती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसकी क्या वजह है। अगर हम इनकी वजह के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली वजह इसका कनेक्टर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो ये कनेक्टर होता है, खास तौर से USB हार्ड डिस्क के अंदर जो कनेक्टर होता है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नंबर एक पे हमने रख दिया इसके कनेक्टर की वजह। नंबर दो पे जाते हैं हम कि इसके अंदर जो फिजिकल डैमेज आता है, हेड जो है वो क्रैश कर जाता है, या हार्ड डिस्क के प्लेटर पे स्क्रैच आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क रीड राइट नहीं कर पाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ड डिस्क कनेक्ट और डिसकनेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। कनेक्ट डिसकनेक्ट होने की वजह से इसके अंदर बहुत खतरनाक तरीके से फिजिकली बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, जिसको रिमूव करना आसान नहीं होता, और अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। चौथी जो प्रॉब्लम आती है वो हम अपनी तरफ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क जो है सिस्टम में लगी हुई है और हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी हार्ड डिस्क रीड राइट कर रही है, और रीड राइट करती ही है, तो ऐसी हालत में सिस्टम को बिना शटडाउन किए, हार्ड डिस्क को बिना एजेक्ट किए, हम हार्ड डिस्क को डिसकनेक्ट कर देते हैं। ऐसी हालत में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके ऊपर राइट होती है वो अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया बैड सेक्टर में आ जाता है। इसको कहते हैं फोर्सली इजेक्ट, यानी कि हार्ड डिस्क को ज़बरदस्ती निकाल लेना, जबकि वो यूज़ हो रही है उस वक्त हम हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम है, वो कभी ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क हमारे हाथ से छूट गई और बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरी, बहुत ज़्यादा झटका लगा जिसकी वजह से प्लेटर पे दिक्कत आ गई या उसका हेड क्रैश हो गया, तो ऐसी हालत में हमारी हार्ड डिस्क उस वक्त भी ख़राब हो सकती है। तो ये कुछ मेन वजहें हैं हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आने की। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्ड डिस्क की जो ये जो वजहें हैं, प्रॉब्लम आने की जो वजहें हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता। तो नंबर एक पे है कि हार्ड डिस्क को ज़्यादा ऊंचाई से गिरने से या तेज़ झटका लगने से बचाया जाए, जिससे कि हार्ड डिस्क के अंदर डैमेज आने से बचे, हार्ड डिस्क का प्लेटर या हार्ड डिस्क का जो हेड है वो क्रैश होने से बचे, हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड या उसकी चिप्स को डैमेज होने से बचाया जाए। नंबर दो पे हम बात करेंगे कि हार्ड डिस्क को जबकि हम यूज़ कर रहे हैं उस वक्त हम उसको ना निकालें, उसको फोर्सली इजेक्ट ना करें, USB कनेक्टर को ना खींचें। तरीका यह है कि या तो अपने सिस्टम को लॉग आउट कर दीजिए, जो भी यूज़र लॉगिन है उसको लॉग आउट कर दीजिए, या दूसरा तरीका है कि उसको प्रॉपर तरीके सिस्टम को शटडाउन करने के बाद ही उसको इजेक्ट किया जाए। नंबर तीन पे मैं बात करूंगा कनेक्टर और केबल की हिफाजत के बारे में। अगर हमारा कनेक्टर और केबल हिफाजत में है तो 90% चांस है कि हमारी हार्ड डिस्क लॉन्ग लाइफ चलेगी। बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो बाद की है। सबसे पहली, सबसे मेन प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉब्लम जो है वो हार्ड डिस्क का कनेक्टर है और उसकी केबल है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि हार्ड डिस्क के कनेक्टर को और केबल को किस तरीके से हम उसको हिफाजत में ला सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हार्ड डिस्क ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चले और उसमें प्रॉब्लम आने से बचा रहे।
तो हम आगे इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो हार्ड डिस्क है मेरे पास, एक पे मैंने ये इस पे जो सेट कर दिया है, मैं इसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा, इसमें नहीं सेट किया हुआ है। तो इसमें जो ये कनेक्टर है, इसको बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की वजह से, बार बार लगाने और निकालने की वजह से ये कनेक्टर लूज होता है, कनेक्टर पे फोर्स पड़ता है और ये हिलता रहता है। ऐसी हालत में कनेक्टर लूज हो जाता है। तो नंबर एक पे ये है कि इसको लूज होने से कैसे बचाया जाए। नंबर दो, सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉब्लम ये है कि ये जो केबल है ये यहाँ से पॉइंट से ट्विस्ट होती रहती है। इसके अंदर के जो वायर्स हैं वो अंदर ही अंदर बार बार ट्विस्ट होने की वजह से वो डैमेज होने लगते हैं, धीरे 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 करके वो टूट जाते हैं अंदर। तो होता क्या है कि अंदर वायर टूटा हुआ है और आप लगाते हैं तो कभी वायर कनेक्ट हो रहा है तो हार्ड डिस्क चलने लगती है, और वायर यहाँ का डिस्कनेक्ट होता है तो हार्ड डिस्क बंद होने लगती है। तो ऐसा होता है कि वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस वजह से हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर की प्रॉब्लम आती है और हार्ड डिस्क धीरे 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 करके डैमेज होना शुरू होती है और पूरा टोटली डैमेज हो जाती है, हम इसको बचा नहीं सकते। तो ये दो मेन सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर एक ये है कि जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए, करना ये रहेगा कि सबसे पहले इस कनेक्टर को अच्छी तरीके से इसमें लगा लेना है। ये जो कनेक्टर है इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर फिक्स कर लेना है, लगा लेना है कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि ये कनेक्टर अच्छी तरीके से कनेक्ट है पूरा दबा करके। उसके बाद इसके जो इसकी जो पॉइंट है, डाउन पॉइंट यहाँ पे जहाँ से ये कनेक्ट हुआ है, वहाँ से ले करके और लगभग कनेक्टर के ऊपर तक, कनेक्टर के ऊपर तक हम इसको पूरा ग्लू गन से चारों तरफ से फिक्स कर देंगे, और ग्लू गन इतना लगा देंगे कि ये अगर इसको हम हिलाएं तो ये हिले ना, यानी कि पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्लू गन से बहुत मोटी सी लेयर लगा करके इसको फिक्स कर देंगे, ताकि ये जो केबल है ये पूरी तरीके से कनेक्टर के साथ फिक्स हो जाए, और कभी भी इसको कहीं बैग में रखें या कहीं किसी भी जगह पर रखें तो ये बार बार हिले ना, जिससे कि इसकी केबल का जो पॉइंट है और इसके अंदर जो लगा हुआ कनेक्टर है वो महफूज रहे, वो सिक्योर हो जाए। नंबर एक सोल्यूशन तो ये हो गया, ये जब फिक्स हो गया तो एक नंबर सोल्यूशन हमारा प्रॉब्लम का वो फिक्स हो गया। अब ये बार बार हिलेगा नहीं तो कनेक्टर खराब नहीं होगा और इस केबल का जो पॉइंट है वो भी नहीं खराब होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, उसको कायदे से देख लीजिए। और इस पे जो ग्लू लगाना है वो इस तरीके से लगाना है कि ताकि बहुत मजबूत सी लेयर इसके ऊपर बन जाए और ये लेयर इसकी बॉडी के साथ में फिक्स हो जाए, कनेक्टर और बॉडी को ले करके लेयर बनाना है और इसको कम्प्लीटली फिक्स कर देना है। हार्ड डिस्क को रखने का भी तरीका होता है, हार्ड डिस्क को कभी भी ऐसी जगह ना रखा जाए कि जिससे इसके कनेक्टर पर प्रेशर पड़े, तो इसको प्रेशर पड़ने से बचाना है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत अहम है और इसी का पार्ट है कि ये जो केबल है, केबल को बहुत ज़्यादा करीब से ना ट्विस्ट किया जाए, यानी एकदम बिल्कुल किनारे से ना ट्विस्ट किया, बल्कि लंबा लूप बना करके इसको रखा जाए, यूँ ऐसा लूप बनाया जाए। ऐसा करने से ये वायर जल्दी नहीं टूटेगा अंदर का और आपकी केबल महफूज रहेगी। तो यहाँ से कनेक्टर महफूज हो गया और यहाँ से केबल महफूज हो गई, यानी लंबा लूप बना करके ही किसी छोटे से बैग के अंदर इसको रखा जाए ताकि इसकी केबल भी ट्विस्ट करने की वजह से अंदर से ना टूटे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये कनेक्टर को फिक्स करने का जो तरीका बताया, अगर ये इतना ही अच्छा है तो कंपनी पहले से ही क्यों नहीं फिक्स करके देती है। देखिए, कंपनी फिक्स करके अगर दे देगी तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, कंपनी ने मान लिया इसको फिक्स कर दिया, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो अब आपके पास केबल के ख़राब होने पे केबल को चेंज करने का ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं, जो मैं बताया हूँ फिक्स करने के लिए, अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो बार बार कनेक्टर को निकालने और लगाने से और उसको हिलने डुलने से केबल का पॉइंट खराब होगा और उसके अंदर का हार्ड डिस्क के अंदर का जो कनेक्टर है वो खराब होगा। कंपनी ने इसको फिक्स नहीं किया है, इसमें आपको एक ऑप्शन ये मिल जा रहा है कि आप जब इसको फिक्स कर देते हैं अपनी तरफ से तो एक तो ये महफूज हो जाता है, बाई चांस कभी आपकी हार्ड डिस्क की यूएसबी की तरफ का पॉइंट खराब हो गया या चूहे ने आपकी केबल काट दिया और कोई वजह हो गई जिसकी वजह से केबल को आपको चेंज करना है, तो सिंपली आपको यहाँ से पकड़ करके जो ग्लू लगाया हुआ आपने उस ग्लू को निकाल देना है और केबल आपको निकाल के बाहर कर देना है, दूसरी केबल लगा करके फिर उसी तरीके से केबल को फिक्स कर देना है। तो कंपनी अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी, इसको फिक्स कर देगी, तो आपके पास केबल को चेंज करने का ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि जिससे कि केबल को बार बार आप इसमें लगा करके चेंज कर सकते हैं और आपकी हार्ड डिस्क की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 12 साल से ज़्यादा की हार्ड डिस्क मेरे पास अभी भी रखी हुई है और अभी उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ तक कि बैड सेक्टर की भी प्रॉब्लम नहीं आई है। उसकी वजह यही है कि मैं उसके कनेक्टर को और उसकी केबल को बहुत ही महफूज तरीके से रखता हूँ और उसको यूज़ करते वक्त हमेशा मैं सिस्टम को शटडाउन करता हूँ, और शटडाउन करने के अलावा अगर वो प्रॉपरली इजेक्ट हो जाती है तो इजेक्ट करके भी मैं उसको निकालता हूँ, कभी भी डायरेक्टली फोर्सली नहीं निकालता हूँ। तो ये सारी वजह से आपकी हार्ड डिस्क की जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाएगी और आप
का डेटा भी सुरक्षित इसके अंदर महफूज पड़ा रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा जो कि आपके काम का होगा। तो इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग इससे सीख करके फायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी टीम का हिस्सा बने। सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि लोग जुड़े और उनको कुछ नया सीखने को मिले। अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं हम आपके साथ शेयर करें और आपको भी इससे फायदा पहुंचे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।